दोस्तों काफ़ी भक्तों के जो कमेंट है वो आ रहे हैं कि अभी तक पिछले 15 दिनों में एक्टिव से लेके जो अमावस्या निकली है वहाँ तक कितने भक्त बागड़ में दर्शन करके जा चुके हैं। तो यहाँ कुछ दुकानदार है दोस्तों जो गोरखटीला मंदिर परिसर के अंदर है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने भक्त यहाँ पहुँचे हैं अभी तक दर्शन के लिए। तो भाई साहब आप हमें ये बताइए कि अभी तक बागड़ मेले में पिछले 15 दिनों में कितने भक्त दर्शन के लिए आ चुके हैं? सर यहाँ आ चुके हैं 25 से 30 लाख के आगे और काफी भीड़ अब की बार डबल भीड़। मतलब पीछे का जो रिकॉर्ड था भक्तों का आने का वो आपको कैसा लग रहा है, उससे डबल भीड़ है या कम है? उससे डबल भीड़ है, रिकॉर्ड टूट गया है सब पीछे का, सब सालों का रिकॉर्ड टूट गया। मतलब 15 दिनों में जो पीछे का सबका सब रिकॉर्ड टूट चुका है। और अभी जैसे पीछे कोरोना काल निकला है, कोरोना काल में सबकी जेब खाली थी, आपकी बिक्री पे कोई असर गिरा है? आपकी बिक्री कम है या ज्यादा है? भीड़ ज्यादा है, बिक्री कम है, तो कोरोना काल में सभी यात्री आ रहे हैं उनकी जेबें खाली हैं, रोजगार रहा नहीं किसी के पास, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो बिक्री है वो आधी हो चुकी है और जो भीड़ है वो डबल हो चुकी है? भीड़ डबल हो चुकी, बिक्री बिल्कुल आधी हो चुकी है, महंगाई भी बहुत है, ग्राहकों के पास पैसे ही नहीं रहे, इतनी महंगाई हो चुकी है और कोरोना काल में किसी के पास रोजगार भी, रोजगार छीने गए, कुछ रहा ही नहीं। अभी कितनी और भीड़ आ सकती है आपके अनुमान से, क्योंकि 15 दिन का मेला बाकी और बचा है? अनुमान से सर इससे ज्यादा आने का अनुमान है, तो हरियाणा पंजाब यूपी तो आ गई, बाकी दिल्ली बची है, पंजाब बचा है, हरियाणा बचा है, काफी आने वाले लोग हैं, इससे ज्यादा ही भीड़ आई, कम नहीं आएगी। मतलब 25 से 30 लाख यात्री यहाँ दर्शन करके चले गए हैं और इससे ज्यादा और आने वाले हैं, ये आपकी उम्मीद है? हाँ ये उम्मीद है, और होगा ऐसा, जो पब्लिक का रुझान दिख रहा है और यह लोगों की आस्था भी आने का। हाँ 2 साल से मेला नहीं लगा, जो लोग दर्शन के लिए आना चाह रहे थे वो अपने घरों में दबे हुए थे, अभी वो खुल के आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, वो तो दर्शन 3 साल से मेला बंद था, आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन प्रसाद प्रसाद का काम वो मंदा है अभी। मतलब आपका काम धंधा एकदम मंदा है, भीड़ ज्यादा है, आपका जो रोजगार का साधन है वो 50% हो चुका है? बिल्कुल है, हमारा रोजगार धंधा भी बिल्कुल मंदा है, और देखा भी महंगा हो गया अब की बार, सब चीजों में महंगाई है, अब ये 1,45,00,000 हमारा, ये 10-12 दुकानें ली हुई उसके अंदर हमारा पूरा लॉस, काफी नुकसान है। तो दोस्तों ये थे दुकानदार जो गोरखटीला मंदिर परिसर के अंदर जिन्होंने अपनी प्रसाद की दुकानें लगा रखी है, इनका मानना है कि 25 से 30 लाख लोग यहाँ दर्शन के लिए आ चुके हैं और इससे ज्यादा भीड़ और पहुँचने वाली है, और जो भीड़ है वो दोस्तों वो डबल हो चुकी है, और इनका जो काम धंधा है जो बिक्री है वो आधी हो चुकी है। दोस्तों यहाँ एक गोगाजी मॉल है जिस पर काफी कुछ वैरायटियां अच्छी मिलती है, मैंने पीछे भी आपको एक वीडियो में बताया था, चलिए यहाँ क्या कुछ वैरायटियां मिल रही है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पूरे मेले में सस्ता माल भरा पड़ा है, अगर टिकाऊ वस्तु लेनी है तो वो यही दुकान है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। मतलब आपके इस शॉप पर क्या क्या आइटम मिल रहा है? हमारे यहाँ हर प्रकार के खिलौने, ज्वेलरी और सजावटी का सामान, बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ और हर प्रकार के आइटम जो मेले में चलता है वो आइटम हमारे पास अवेलेबल है। मेले में अक्सर देखा जाता है जो वस्तुएं होती है उनकी क्वालिटी एकदम घटिया होती है, तो आपके पास कैसी क्वालिटी मिल रही है? भाई साहब आप पूरे मेले में जाके आइटम उठा लो और हमारी दुकान का एक आइटम उठा लो, आप अलग खुद को महसूस हो जाएगी, चीज बढ़िया है और रेट हमारी फिक्स रेट है और रेट बाजार से कम है पर रेट एक है। कुछ ऐसे आइटम दिखाना चाहोगे हमें जो आपके पास हो और किसी के पास न हो? बहुत सारे आइटम ऐसे हम आपको दिखाएं, ये आइटम आपको बाजार में और कहीं नहीं मिलेगा, ये टोटल आइटम ऐसे हैं जो आपको बाजार में कहीं नहीं मिलेगा वो हमारे पास मिलेगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ जो गणपति जी के जो स्टेचू हैं काफी सुंदर, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों काफी खूबसूरत आइटम, और यहाँ जो मेटल के गुरु गोरखनाथ की और गोगा जी की जो प्रतिमा है वो भी मिल रही है, और यहाँ देखिए दोस्तों काफी सुंदर सुंदर टॉय, ये देखिए दोस्तों
काफी खूबसूरत आइटम जो शायद मेले में और कहीं ना मिले। चलिए मैं आपको उठा के दिखाता हूँ उनको। ये देखिए दोस्तों, काफी सुंदर। ये देखिए दोस्तों, इनके अंदर स्प्रिंग भी है, काफी अच्छा वर्क कर रहा है। रोगाजी मोल, ये जो आइटम अभी मैंने देखा, इसका प्राइस क्या है सब? हाँ जी, 450 दोस्तों, इसका प्राइस 450 है। पूरे मेले में ये आइटम और कहीं नहीं देखने को मिला मुझे। चलिए इनकी पूरी शॉप दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, और इस मेले की बात की जाए तो सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं के पास होती है, क्योंकि जो क्वालिटी आइटम है वो इनके पास अवेलेबल है। काफी सुंदर ज्वेलरी दोस्तों, तो भाई साहब कहाँ से हो आप? हम सवाई माधोपुर से। दिन में कितने कस्टमरों को अटेंड कर लेते हो अभी जैसे मेले की भीड़ को देखते हुए? अभी तो करीबन 6-7-8 कर लेते हैं। मतलब भीड़ ज्यादा है आपका, धंधा कम है? हाँ, धंधा कम है, भीड़ ज्यादा है। कितने कमा लेते हो दिन में आप सवाई माधोपुर से आकर इस मेले में? करीबन 300-400 रुपए तक कमा लेते हैं, 400-500। मतलब ज्यादा कमाई नहीं है इतनी दूर आने के बाद भी। इस बार मेले में भीड़ काफी ज्यादा दिख रही है, परंतु जो रोजगार है वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कम है। भीड़ बहुत ज्यादा है इस साल। हर साल आते हो या पहले साल आए हो? नहीं, हर साल आते हैं। पीछे के मुकाबले में अब की बार आपका जो बिजनेस है वो बढ़ा है या घटा है? घटा है, अब की बार पब्लिक ज्यादा है, बिजनेस घटा है। मतलब पब्लिक ज्यादा है और बिजनेस आपका घटा है। तो दोस्तों ये थी यहाँ की जानकारी, भीड़ ज़्यादा है और जो दुकानदार है उनकी बिक्री है वो कम हो चुकी है, और कितनी भीड़ आ रही है इसका पूरा का पूरा ब्यौरा मैंने आपको यहाँ के स्थानीय जो दुकानदार है उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर बताया है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार।